यहाँ रुक करते हैं पेशावर का, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2018 और 19 का बजट तैयार है और 15 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा बजट के दस्तावेज की कॉपी कैपिटल टीवी ने हासिल कर ली है। मनासर में आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के माली साल के बजट का हजम 612 अरब रुपए से जायद है और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1 खरब 95 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है और ADP में सूबे के वसाइल का हिस्सा 1 खरब 23 अरब 90 करोड़ रुपये है और इसी तरह से बरूनी इमदाद की मद में 71 अरब 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत को विफाक से बिजली के मुनाफे के बकाया जात की मद में 21 अरब मिल सकेंगे। इसी पर बात करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे कामरान अली से। कामरान, जो दस्तावेज सामने आई है इसके मुताबिक अभी तक क्या अदादो शुमार सामने आ सका? तो माली साल 2018-19 का जो बजट है वो तैयार कर लिया गया और 15 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास होने जा रहे हैं, उसमें ये बजट जो है पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जो माली साल का बजट का जो कुल हजम है 612 अरब रुपए से जायद है। इस तरह सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1 खरब 95 अरब रुपए मुख्तस करने की जो तजवीज़ दी गई है दस्तावेज में ये देखा भी जा सकता है। ADP में सूबे के वसाइल का हिस्सा जो 1 खरब 23 अरब 90 करोड़ रुपए, इस तरह बैरूनी इमदाद की मद में 71 अरब 10 करोड़ रुपए जो है सूबे को मिलेंगे। हुकूमत को वफाक से बिजली के मुनाफे के बकायाजात की मद में जो है 21 अरब रुपए मिलेंगे। जिलाई हुकूमतों के लिए जो है दस्तावेज जो सामने है उसमें 29 अरब 34 करोड़ रुपए रखने की तजवीज रखी गई है। इस तरह तालीम के लिए 9 अरब 2 करोड़ और आला जो तालीम कर रहे थे आप।